ये बैठा देखो छोटा सा, कितने प्रेशर का होता है ये पानी जो चलता है, देखो कितना प्रेशर होता है, इसके आगे हाथ लगा दिया तो कट जाना था केस में, और हमारा पोपट हो गया, हमारी बाइक का पंचर हो गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं फिर से अपने एक नए व्लॉग में। तो गाइस भाई, कल आपने देखा था मेरी टीथ की सर्जरी हुई थी, और देखो अभी भी स्वेलिंग है भाई, मतलब छः स्टिचेस आए मेरे को, और जाड़ निकलने में भाई 1.5 घंटा लग गया, मतलब इतनी मुश्किल से निकली ना मतलब ऐसे खींच के निकली नहीं, वो टेढ़ी थी ना ऐसे, तो 4 पीसीज में कट कर करके निकली, और इतना जोर लगा ना बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा भाई कहाँ फंस गया, तो गया। और उसके बाद टिक्के भी लगाए जाड़ में भी, वैसे भी टिक्के लगाए जख्म के, अब मेडिसिन चल रही है, तो बोलना नहीं है वैसे मेरे को इतना, पर करना तो पड़ेगा ही। हाँ जी बेटे, गुड्डू भी मेरी यहीं पे ही है भाई। ये रे गुड्डू बेटे, क्या कर लिया आपने, ये सारी भिगो लिया आपने अपनी शर्ट, पानी पिया था ना ये आपने, ये क्या कर लिया है गुड्डे? हाँ क्या है ये आपके हाथ में? और ये आप अपना गिलास अच्छा किचन में रख के आओ, किचन में रख के आओ, चलो अच्छे बच्चे बनते हैं ना ऐसे, किचन में रख के आते हैं, बाहर नहीं रखते। और गाइज आज ना मतलब गर्मी हो गया भाई, आपको ही पता फुल गर्मी का सीज़न आ गया, तो अभी एसी भी सर्विस करवानी है, विंडो एसी पापा वाले रूम में और मेरे रूम में स्प्लिट एसी, तो आज दोनों सर्विस करवाएंगे, सर्विस वाला बुलाया, और देखते कितने बजे आएगा, मुझे वेट उठाना तो कोई जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि विंडो एसी तो बाहर निकाल के सर्विस होती है ना इसकी। क्या हो गया बेटे, क्यों रो रहे हो आप? चिज्जी? कौन सी चिज्जी खाओगे बेटे? चिज्जी नहीं खाते बाहर के, आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है ना फिर, बाहर की चिज्जी नहीं खाते। हाँ ये देखो भाई जलजीरा पीने का स्टाइल इसका, गिलासी में डालेगी पहले बोतल में से, बोतल में से ढक्कन में डालेगी फिर पिएगी। गुड्डे कौन सा तरीका है पीने का? कपड़े गंदे हो जाते हैं, फर्श पे गिराओगे आप, देखो। अरे भाई नए नए स्टाइल इसके, पानी पीने का स्टाइल भी ऐसे ही है, गंदा बच्चा। चलो ऐसे पियो गिलासी से, गिलासी से पियो बेटे, ऐसे गंदे काम नहीं करते, गंदे बच्चे बनोगे आप। गिर गया देख नीचे, आपके कपड़ों पे गिर गया, दिखा दो आप, सोने सोने बन गए, दिखा दो। हाँ देखो छोने छोने बन गए भाई गुड्डू, प्यार कर दो पापा को, रूस गए आप तो, प्यार कर दो, रूसो मत, ऐसे गले मिल जाओ, देखो पापा बेटी का प्यार देखो कितना प्यारा है ना, और रूस गए, किससे रूस गए? पापा। पापा से क्यों रूस गए आप? पापा ने क्या कुछ किया है? और भाई आज एक पोपट भी हो गया हमारा, हमने एसी वाले को फोन किया तभी हमारा ट्रांसफार्मर सड़ गया और लाइट गई भाई, अब एसी वाले का फोन आया कह रहा भाई मैं आ रहा हूँ वहाँ का, लाइट ही नहीं है, तो गया भाई सिस्टम खराब हो गया हमारा बिल्कुल। और ये देखो गाइस, हमारे घर पे ना गुग्गी रहती थी ना इधर, तो उसने बच्चे दिए है, और एक मतलब दे रखे थे काफी दिन से, एक थोड़ा बड़ा हो गया, वो घोंसले से बाहर निकला है, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे को उसकी बहुत लग रही है, मतलब मैं टीथ की दवाई लेता हूँ तो उसकी लगनी शुरू हो जाती है भाई, हिचकियाँ उसकी बोलते हैं हमारे इधर, हिचकियाँ लगनी शुरू हो जाती है, हिकअप्स। मेरा गाइस ये देखो, ये बैठा, मैं जूम करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको, ये बैठा देखो छोटा सा, आपको देखने में कैमरे में बड़ा लग रहा होगा पर है छोटा सा, ये इधर इसका घोंसला है, और हम ना इसलिए फैन बंद रखते इधर भैंसों का, क्योंकि ना फिर वो इधर से उड़ के जाती है ना आते, तो कटने का डर रहता है। और भाई अभी एसी सर्विस करने वाला अभी आने वाला है दोपहर में बिल्कुल, क्योंकि लाइट आ गई थी, तो फिर रात का पता नहीं लाइट आए ना ही, कभी भी खराब हो जाते, तो अभी आ रहा सर्विस वाला, सर्विस करवाएंगे एसी के, है ना गुड्डू? फिर आप एसी में सोओगे ना रात को, गुड्डू एसी में सोएगी, फिर गर्मी में उठती रहती है। अरे यार ही कब्स का क्या होगा, सूसू कर दिया गुड्डू ने, सूसू कर दिया, और करके आज कह रही सूसू। तो भाई ये देखो भाई साहब आए हैं भाई, एसी सर्विस करवा रहे हैं हम अभी अपनी एसी की, स्प्लिट एसी की सर्विस हो चुकी है, अभी विंडो करवा रहे हैं भाई, तो विंडो में बहुत पंगे हैं, विंडो करवा के फिर साफ करनी पड़ती है भाई, देखो धूल कितनी है, पूरे 6-1 साल हुए ना सर्विस हुए, तो इतनी धूल हो जाती है भाई, अब इसको उतारना पड़ेगा, फिर बाहर लेके चलेंगे, फिर साफ करेंगे इसको। ये देखो भाई विंडो एसी खत्म नहीं हो गया, सिंधा खत्म हो रही है कितना गंदा हो जाता भाई,
इसलिए इसकी सर्विस जरूरत है। देखो भाई कितने प्रेशर का होता है ये पानी जो चलता है ना, देखो कितना प्रेशर होता है, इसके आगे हाथ लगा दिया तो कट। मैंने सिंधे को बुलाया स्पेशल वेट उठाने के लिए, बहुत भारी होती है भाई, और वहां से उतारनी है, वहां से उतार के बाहर लेगा ना, बहुत भारी है, गिरा दी होती सिंधे ने ना, भी रड़नी है। तो भाई साहब दोनों एसी की सर्विस हो चुकी है, स्प्लिट एसी की भी और विंडो एसी की भी, बहुत टाइम लग गया, 2:30 बजे आया था, 5:30 बजे गया एसी से। अभी मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को आइसक्रीम खाने के लिए बोला है, ठंडी चीज़ें खानी है, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक बस ऐसा कुछ ही ले सकते हैं, क्योंकि दांत में अभी फिर ब्लीडिंग नहीं होएगी ना, इसलिए। तो अभी ये खाता हूँ भाई मैं ओनली सिर्फ। और भाई यो दूज की पूरा दिन चलती हैं यार, एक टीकअप्स ने तो मेरे को तंग कर दिया भाई, क्या करूँ, बहुत पंगे हैं दवाई लेने के बाद, पता नहीं कब बंद होगी। देखो ऐसी लगती रहती है पूरा दिन लगती रहती है। बाकी मुझे इतना बोलना नहीं है, फिर भी मैंने व्लॉग बना दिया आप लोगों के लिए भाई। और ये देखो भाई हमारी गुड्डू भी खा रही है आइसक्रीम, और कैसे खा रही है गुड्डू, देख मजे आ रहा है, गुड्डू ने बहुत सारी आइसक्रीम ले ली, फिर खत्म कर दिया। क्या खा रहे बेटे आप, आइसक्रीम देखो गिर जाएगी, पूरे मजे आ, देखो थोड़े थोड़े आए, पूरे मजे लेके खा रहे गुड्डू, शाबाश बेटे शाबाश। अभी चल पड़े भाई हम हमारी बाइक का पंचर लगवाने, जाना था केस में और हमारा पोपट हो गया, हमारी बाइक का पंचर हो गया, मुंह का भी पंचर हो रखा, दांत की वजह से बाइक का भी पंचर हो गया, टायर की वजह से पोपट ही पोपट। डब लाया देखो कैसे लेके जा रहे हैं पैदल ही, और अगर हमें वो नहीं मिला पंचर वाला तो फिर वहाँ पोपट देखते हैं। ओ देख देख कैसे भगा रहा है, तो इसके साथ ही भाग जाए आराम से, कहीं इसकी स्पीड से पकड़ ही ना पाए, मैचिन हो जाए, एक पोपट और हो जाए। चलो भाई जाके देखते हैं मिलता है कि नहीं हमें पंचर वाला, लगवा ले आए भाई पंचर, वहां पोपट होने से बच गया हमारा, और ये बैठे माजी और इधर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं भाई। चलो चलो तू इसे आ जाओ, सिंधे का बुलाने का मेन रीजन भाई, जो सोफे हमने बाहर निकाले थे बंदर करेंगे, यही काम है हमारा। हाँ जी ठंडी ठंडी हवा लग रही ना, यहीं बैठना चाहिए पंखे नीचे, तो बैठ के क्या करेंगे, गर्मी में पूरा ही बैठा हम तो। चोट लग गया आज, चोटी का बाज लिया मेरे, हम तो फोड़ा बढ़ के पैर में इतना खून निकला, चोट लग गई भाई भैंस आज। चलो सोफे अंदर करेंगे भाई, सारे जितने भी हमने हॉल में डाल रखे हैं, क्योंकि हॉल भरा भरा सा लग रहा है, तो अंदर ही डाल देते हैं वापस उनको बैठक में, यानी ड्राइंग रूम में। और लो भाई फाइनली अपनी टूटी फूटी जाड़ों के साथ हम फिर से सारे सोफे सेट कर दिए, और कल से उज की अब तक नहीं बंद हुई भाई, कल से ही कप्स ऐसे ही लगे हुए हैं। ये देखो सारे सोफे सेट कर दिए, इधर 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 दोनों मेज भी, इधर घोड़ा रखा इस पर इतना बड़ा है ना, सही लग रहा ना। ये देखो इधर सोकेश, ये हमारा ड्राइंग रूम है भाई। तो गाइज फिर मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। गाइज फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक कि मेरी जाड़ भी ठीक हो जाएगी। बाय बाय गाइज, टेक केयर।